फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल चला मुसाफिर पे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते देखते कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज है दिवाली, तो आज दिवाली है और हम पहुंच गए हैं अपने घर, और ये एक खिड़की में अपने आप को देख के अपने आप से बातें कर रही हैं। अविका से हेलो, और इसने पेन से अपने मुंह पे लिख लिया है। हाँ, घर में दिवाली की तैयारी चल रही है शाम की, अभी खाना बनना है तो ये कुछ खाना बना रही है। क्या बनाने की कोशिश कर रही हो? ये लंच बनाने की कोशिश कर रही है। आलू गोभी की सब्जी बनाएंगी और मैंने छोटे छोटे टमाटर काट लिए हैं, और ये काली दिख रही है लेकिन ये ठीक ठाक काली नहीं है। हाँ, तो इधर कपड़े पड़े हुए हैं, इनको मत ध्यान। हाँ, तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कौन सा भारी है कौन सा हल्का है, और ये छोटा शैतान। अच्छा, मेरे को लगा साड़ी की बात चल रही है, ये चादरों की बात चल रही है, और ये छोटा शैतान पूरे घर में घूम रहा है। इधर सामान मिल गया इसको इधर छेड़ने का आज। तो ये केला केला खाने का नया स्टाइल है इनका। सब लोग ऐसे खाते हैं, पहले केला छील लिया है, अब क्या करोगी? अब इस केले को काटेंगे और खाएंगे, पता नहीं कौन सा स्टाइल इनका खाने का। तो जो करना वो कर रही है, क्योंकि अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, ये अपने दादा दादू के पास है तो हर चीज में पैं पैं दादी दादू करने लगती है, तो मैं कुछ बोलने वाला नहीं है। दादी देखिए ना, तो नए पटाखे तो इस बार मिले नहीं, तो पुराने पिछले साल के जो थोड़े बहुत बचे थे वही पटाखे यूज़ करेंगे और दिए जलाएंगे। अभी जाएंगे बाहर थोड़े दिए खरीदने, मम्मी ने बहुत कम दिए खरीदे तो और दिए खरीदेंगे। मम्मी कितने दिए खरीद के लाई इस बार? 50 दिए खरीद के लाई हैं इतने, तो 50 दिए में कुछ होता है नहीं, लाइट तो लाइट नहीं, और दिए लेके आएंगे, अभी लाएंगे 100-150 दिए और फिर उनको जल लगाएंगे, तैयारी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं शाम को। शाम के 4 बज गए और इनको याद आ गया कि इनको चप्पल लेनी, इनका चप्पल नहीं पहने के तो हम चप्पल लेने जा रहे हैं। और ये रहा, ये देखिए पपीते, हमारे घर में पपीते भी लगे हुए हैं, वो ऊपर है। और ये हमारे जॉनी अंकल हैं, जॉनी यस पापा। और अंकल हमेशा गुड मॉर्निंग गुड नाइट हमेशा बोलते हैं। ये खुश हो, और ये हमारा लड़का, इसके बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, गंजा हो गया। हमारे बगल में अंकल दिखाया था ना, ये तोड़ लो, ये सही है। ये अंकल बहुत परेशान होते हैं कि इनके अगर ये तो खा नहीं पाते। अंकल ने अमरूद लगाए, चमगादड़ के लिए लगा रखे। अंकल ने बुखार है क्या आपको? नहीं भाई, गर्म है। अंकल हॉट हो रहे हमारे। हम लोग को चप्पल तो पसंद नहीं आई, और हम आ गए रोड पर, हम लोग जा रहे हैं दूसरी शॉप पे। ये है रोड, रायबरेली रोड, जहाँ सीधे इलाहाबाद जाती है। ओह, ये वाले खिलौने, मिट्टी के खिलौने मिल रहे हैं यहाँ पे सारे। ये यही मिलता है, लखनऊ में मिलता है, मैंने और कहीं देखा ही नहीं है। लखनऊ या गांव साइड में मिलता है, अपने और कहीं मिलता नहीं है। अबे जल्दी जल्दी रोड क्रॉस कर लो, चढ़ जाएगा गाड़ी वाला। चप्पल ले लियो। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है कि इन्होंने 10 सेकंड नहीं लगाया चप्पल पसंद करने, नहीं तो दुकान भाई दुकान बदलती रहती है। स्माइल करो, स्माइल करो एक बार, दे दो भैया 50-100 दे दो। सब बने मिट्टी के, हाथी घोड़े सब बने हुए। हाँ, घरकुंडा कहाँ मिलेगा यहाँ पे? घरकुंडा कहाँ मिल जाएगा? चलो 50 कर देना भैया। ये है नियर बाई मार्केट, और ये अलाई बलाई है, इसको जलाए घर से निकालते हैं। भैया की दुकान से मैंने दिए लिए, 50 रुपए के लिए, 10 रुपए के 10 दिए हैं, और बहुत कुछ मिट्टी का सामान है। ये पड़ता है आपका डेंटल कॉलेज के पास, जो ये मार्केट है वहाँ पड़ता है। थैंक यू भैया। मेरे घर के पास है और मैं इनके यहाँ से काफ़ी साल से खा, मेरे को तो अच्छा लगता है, हर एक लहजे से अच्छा लगता है यहाँ पर। और यहाँ पे मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती कि 30-40 रुपए में ना नॉर्मल स्नैक्स टाइप का आप खाना स्टार्ट करते हो, उससे आप पेट भी भर सकते हो। 50 रुपए में तो आप पेट भर सकते हो आराम से रात में। प्याज डाल देना अच्छे से, हम ऑल सीजन प्याज खाने वालों में से हैं। अपने घर के पास आ गए फेमस गोलगप्पे खाने के लिए।
यहाँ खाए बिना वापस जाते ही नहीं कहीं थे। और यहाँ के जो गोलगप्पे, यहाँ पे जो गोलगप्पे के अंदर ये क्या डालते भी है इसको, मटर। मटर यहाँ पे मटर डालते हैं। और आप अगर अपने उधर दिल्ली एनसीआर साइड में खाएंगे तो उसमें आपको आलू और क्या डालते हैं, कम उबले हुए चने डालते हैं, लेकिन यहाँ पूरा मैश रहता है मटर इनका पूरा। हाँ, छोले कुलचे टाइप को, वैसे बहुत मजा आता है। ये हमारे हैं भैया जी दिलीप पुरई के मशहूर बताशा। तो यार आप क्या बना रही हैं? रंगोली, वो भी कुछ अजीब से नहीं लग रहा। कुछ अजीब से रंगोली बना रही हो? पूजा खत्म हो गई है हमारी, संपन्न हो गई ना। तो पापा से पूछा मैंने, पूजा संपन्न हो गई, समाप्त हो गई, संपन्न हो गई, पूजा संपन्न हो गई है। इतनी हिंदी नहीं आती है। हो गया। या बहू जी पैर का आशीर्वाद लेते हुए, और ये इनको गिफ्ट मिला है, और मेरा ही पैर छू जाएगा क्या? इधर इधर पैर छुइए, अरे लीजिए, अरे पैर छुइए, अब पैर छूते हुए औरत एक बार छुइए। मम्मी तुम क्या कर रही हो? चलो अब इनकी इनका पूजा हो गई है। नमस्ते भैया, हैप्पी दिवाली। अब मैं जा रहा हूँ छत पे दिया जलाने के लिए। ये सारे जलाने मेरे को ऊपर जाके, ये बड़ा वाला कहाँ रखूंगा? बड़ा वाला मैं तुम बड़ा वाला ना रखो, बड़ा वाला तो ये मैं छत पे रखा हूँ सारे, ये बीच में लगाऊंगी ये बड़े। ठीक है, तो अभी का डर गई है, छोटा सा बेबी हमारा डर गया है, तब हम लोग अंदर जा रहे हैं। मम्मा पास जाएंगे। हाँ मम्मा पास, तो ये हमारे घर में पूजा हो गई है, दिए लगाने जा रहे हैं। और ये पहला बम वहाँ भी है। आयरा आप क्या कर रही हो? ये पॉम पॉम फोड़ रही हैं। आपको डर लग रहा है? ओ भाई साहब, सिर दर्द हो रहा है तो हो, तो इनको ब्रेक लेना पड़ेगा। आप ये देखिए मजे चल रहे हैं दिवाली के, और ये डर गई है, आपको डर लग गया है? आपको हो गया? हाँ वहाँ हो गया। एक लड़की भी है। ए निडर औरत, ये आज की औरत है ये। वाह